और यहाँ के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। मैं सुरेश कुमार मौर्य, पूर्व छात्र नेता पीजी कॉलेज गाजीपुर। सुरेश जी, आज ये किस तरह का कैंडल मार्च है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए भैया, जो आए दिन प्रतिदिन हमारे 9 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, और मिर्जापुर के डीएम और एसपी तक उनके कान तक जू तक नहीं रेंगा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि उनके नारे सभी ध्वस्त हो रहे हैं। नारी सशक्तिकरण जो महिला हेल्पलाइन चला है, ये पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार पर्सन होते हैं। आज के डेट में 9 वर्ष की बहन के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, और इन लोगों को पता तक नहीं चलता है। खुफिया विभाग एसओजी के जो लोग हैं कहाँ सोए हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि ज्योति बहन, जिसके माता पिता एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, माँ बर्तन मांजने का कार्य करती हैं और पिता मजदूरी करते हैं, और उन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग पूरे छात्र संघ के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश हुए हैं कि उस ज्योति मौर्य के बलात्कारियों को फांसी दिया जाए, और जितने भी हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और FIR दर्ज हो। फांसी दो, फांसी दो।